वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग प्रोफाइल जो है वो सेटअप करेंगे अपनी। तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन के बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और बिकम अ सेलर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि सर्विसेज जो है मैं सेल करना चाह रहा हूँ। उसके बाद ये डिफरेंट चीजें जो है वो आपके पास आ रही है। वर्क योर वे, यू ब्रिंग द स्किल्स, विल मेक अर्निंग इजी, बिकम अ सेलर। यहाँ पे आ रहा है गिग इज बॉट एवरी 4 सेकेंड, ट्रांजेक्शन जो है वो 50 मिलियन प्लस की हो चुकी है, प्राइस रेंज मिनिमम $5 की सर्विस आप ऑफर कर सकते हैं। इसी वजह से इसको फाइवर भी कहते हैं, 5 से मैक्सिमम $10,000 तक की सर्विसेज। ये कुछ लोग जो है वो फीचर्ड जो है वो हुए हैं, उनकी जो है वो चीजें आ रही हैं। हॉट वर्क क्रिएट गिग जो है वो बनाएंगे, अगर क्लाइंट को जो है वो गिग पसंद आ जाती है, ऑर्डर प्लेस होगा, उसके बाद हम लोग जो है वो अपना वर्क डिलीवर करेंगे, क्लाइंट उसको ओके कर देगा तो हमें पैसे मिल जाएंगे। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप लोग खुद से जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली बिकम अ सेलर के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। अब यहाँ से जो है वो आपसे जो है वो पूछ रहा है, तीन ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं साइन अप करने के लिए, पहली फेसबुक के साथ, सेकंड गूगल के साथ, तीसरी ईमेल के साथ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपनी ईमेल के साथ जो है वो साइन अप जो है वो करें, ताकि अगर कल को कोई भी किसी किस्म का अगर मसला बनता है तो हमारी फेसबुक या गूगल प्रोफाइल इफेक्ट ना हो, ताकि हम फर्दर जो है वो उसको अगर कोई और प्रोफाइल हमें बनानी पड़े तो उसके साथ अटैच कर सकें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जीमेल स्पेसिफिकली इसके लिए मैंने एक अलग से जो है वो ईमेल बनाई है, तो मैं वो पुट कर रहा हूँ। ओके, ईमेल पुट करने के बाद जो है वो कंटिन्यू, और नीचे आपके पास आ रहा है बाय लाइक जॉइनिंग आई एग्री द रिसीव ईमेल्स फ्रॉम द फाइबर। उसके बाद सिंपली जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट यूजर नेम के बारे में पूछा जा रहा है, इस चीज के हवाले से जो है वो माइंड में रखें कि ये बाद में जो है वो चेंज नहीं होता। कंसल्टेंट, ओके, मैंने एड्स कंसल्टेंट लिखा, यूजर नेम जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता हूँ, पासवर्ड जो है वो चूज करना है। तो आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड जो है वो रख सकते हैं। ओके, पासवर्ड जो है मैंने चूज कर लिया। उसके बाद सिंपली ज्वाइन के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं किसी किस्म की कोई लाइक रोबोटिक एक्टिविटी तो जो है वो नहीं हो रही, तो इसके लिए आप लोगों ने जो है वो कैप्चा, जो भी कैप्चा आएगा उसको आप लोगों ने वेरीफाई कर लेना है। तो अभी जो मेरे पास कैप्चा आ रहा है ट्रैफिक लाइट्स के हवाले से आ रहा है, तो इनको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, क्रॉस वॉक्स, चलें जी, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे साइड पे प्रोफाइल पिक्चर भी जो है वो शो होना शुरू हो गई है, और ये ईमेल भी इन्होंने मुझे सेंड की हुई है, और लाइक यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कि ईमेल से इसको एक्टिवेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो है वो इसके ऊपर जाके इसको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये मेरे पास एक्टिवेट योर अकाउंट, इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। तो आपके पास अब यहाँ पे देख लें अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड जो है वो आ गया है। अब नेक्स्ट चीज जो आप लोगों ने करनी है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन है, इसमें जो है वो चले जाना है और प्रोफाइल जो है वो एडिट करनी स्टार्ट करनी है। और यहाँ से चीजें जो है वो आ रही हैं, सबसे पहले जो है वो फुल नेम आप लोग लिखेंगे, ईमेल आईडी, उसके बाद हमारे पास जो है वो ऑनलाइन स्टेटस, ये चीजें जो है वो आ रही हैं। और अगर अकाउंट डीएक्टिवेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप लोग ऑलरेडी आपकी कोई दूसरी प्रोफाइल है उसको डीएक्टिवेट करवाना चाहें तो नीचे ऑप्शन आ रही है। अदरवाइज यहाँ पे अब यूजर नेम जो है वो आप लोग दे देंगे, और मैं इसको जो है वो अभी फिल कर देता हूँ। ओके, नेम जो है वो ऐड करने के बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोफाइल के ऊपर जो है वो आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पे अब डिफरेंट चीजें जो है वो आपसे पूछी जा रही हैं। फर्स्ट वन है विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब यू।
आई ओन अ बिजनेस, आई एम फ्रीलांसर, आई एम एम्प्लॉय, वर्क फॉर एजेंसी और यूज फाइवर फॉर पर्सनल नीड्स। सो मैं इसको जो है वो एज एजेंसी प्रोफाइल जो है वो लेके चलना चाह रहा हूँ। तो आई ओन अ बिजनेस आ सकता है, या आप लोग क्या करते हैं एज अ फ्रीलांसर जो है वो लिख सकते हैं आगे फर्दर ऑप्शन, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको फर्दर ऑप्शंस वगैरह जो है वो देनी पड़ेंगी। तो मैं एज अ फ्रीलांसर जो है वो चूज करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पूछ रहा है किस इंडस्ट्री से आप लोगों का ताल्लुक है, तो मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग और पीआर के लिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और सेव चेंजेस। उसके बाद ये चेंजेस जो है वो सेव हो चुकी हैं। उसके बाद कुछ फर्दर डिटेल्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक अभी पिक्चर जो है वो ऐड करनी है मैंने, टैगलाइन ऐड करनी है, इसके अलावा और चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज, और ये अगर अकाउंट्स लिंक करना चाहें, स्किल्स वगैरह को ऐड करना चाहें, तो इन चीजों को हम लोगों ने ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने कोई भी एक हेडिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है अपने बारे में। इसका मैंने लिख दिया योर एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट जो है वो लिख दिया। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है वो आप लोग फिल कर देंगे। अब ये इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर आप लोगों ने प्रॉपर जो है वो टाइम अपना जो है वो इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर टाइम लगाना है, इसको वैसे ही जो है वो फिल नहीं कर देना। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मैंने अभी सिर्फ जस्ट दो लाइंस जो है वो लिखी है डिस्क्रिप्शन में, इसको बाद में अगेन मॉडिफाई कर लूंगा। तो आप लोग भी इस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसके बाद इसको अपडेट कर दें। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश बाय डिफॉल्ट जो है वो आ रही है, सबसे पहले इसको जो है वो एडिट करके आप लोग जो है वो फ्लुएंट कर सकते हैं। तो अभी बेसिक आ रही है तो इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लुएंट कर लेता हूँ अपडेट। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उर्दू जो है वो ऐड कर दें और ये आपकी नेटिव और बाइलिंगुअल जो है वो हो जाएगी। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, पंजाबी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज भी जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट जो है वो अभी हम लोग नहीं दे रहे, अकाउंट कोई भी मैं लिंक नहीं कर रहा। स्किल्स में हम लोग जो है मैक्सिमम स्किल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल फेसबुक एड्स और फेसबुक एडवर्टाइजिंग आर एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपर्ट जो है वो अपने आप को ऐड कर रहे हैं, फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट। उसके बाद मैं करता हूँ गूगल एड्स, गूगल एडवर्ड्स, और इसको मैं एक्सपर्ट जो है वो ऐड कर लेता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसके अलावा लिंक्डइन एड्स एक्सपर्ट, ओके। ये कुछ स्किल्स जो है वो मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद जो है वो एजुकेशन आ रही है, तो आप लोग अपनी एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे ऐड कर दें।
इसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह आपकी हैं रेलिवेंट, यूडेमी से आप लोग जो है वो सर्टिफिकेशंस जो है वो कर सकते हैं, तो आप लोग जो है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल यूडेमी और ईयर पास जो है वो आप लोग लिखते हैं जब भी आप लोगों ने वो सर्टिफिकेशन की, तो ये मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन वगैरह जो है वो ऐड कर देनी है आपने। उसके बाद जब ये सारी चीजें जो है वो ऐड कर दी इमेज, जब भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोई लोगो वगैरह बनाऊंगा और वो ऐड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको जो है वो चेक करने के लिए कि अभी फर्दर जो है वो एक्टिवेट हो गई है कि नहीं, आप लोगों ने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर भी आप लोग जो है वो जा सकते हैं क्रिएट अ गिग पे, ताकि आप लोग देख लें, क्योंकि फर्दर दो चार क्वेश्चन जो है वो और पूछेगा। इसको कंटिन्यू कर दें, इसको भी कंटिन्यू जो है वो कर दें और फिर अगेन कंटिन्यू कर दें। उसके बाद अगेन ये कुछ आपकी जो है वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे पूछेगा, इनको जो है वो आपने फिल करने के बाद जो है वो नेक्स्ट कर देना है। मैंने प्रोफाइल पिक्चर अभी एग्जांपल के लिए जो है वो लोगो ऐड कर दिया है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन कुछ लिखी थी, बाकी जो है वो आगे फर्दर जब इसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा तो लिख लूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक चीज याद रखनी है, आपने अपने कीवर्ड्स जो है वो मेनली ऐड करने हैं, जिस तरह मैंने फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर, गूगल एड्स, ये चीजें जो है वो ऐड की हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह भी जो है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देंगे। ऑक्यूपेशन जो है वो आपसे पूछा जाएगा, तो ऑक्यूपेशन में डिजिटल मार्केटिंग कब से जो है वो आप लोग कर रहे हैं वो साल जो है वो इसमें डाल दें। उसके बाद एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज या बेस्ट स्किल जो है वो आप लोग इसमें डाल सकते हैं, SEM। उसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, और ये फर्दर चीजें जो है वो वेब एनालिटिक्स वगैरह जो है वो अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्किल्स आ जाएंगे, स्किल्स जो है वो ऐड कर दें, एजुकेशन ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन। उसके बाद आपसे जो है वो प्रोफाइल पर्सनल वेबसाइट का जो है वो लिंक आपसे मांगेगा, तो आप लोग जो है वो दे सकते हैं। अभी मैं अपनी वेबसाइट का जो है वो यहाँ पे जो है वो लिंक ऐड कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट ये कहेगा कि किसी एक अकाउंट के साथ एटलीस्ट जो है वो अपने आप को ऐड करें। यहाँ पे आप देख लें कंप्लीशन रेट जो है वो 30% आ रहा है, तो मैं अभी क्या करता हूँ गूगल के साथ जो है वो इसको लिंक कर देता हूँ। उसके बाद जैसे एग्जांपल अगर फेसबुक या ट्विटर आप लोग जो है वो इसके साथ अटैच करते हैं तो उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने कंटिन्यू कर देना है, और उसके बाद लास्ट नंबर पे जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगी फोन नंबर वेरिफिकेशन की। इस पे जो है वो क्लिक कर दें, कंट्री पाकिस्तान, फोन नंबर लिखें और SMS के जरिए इसको वेरीफाई कर लें। वो भी मैं अभी कर लेता हूँ। तो ये फोन नंबर को जो है मैंने वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। जैसे एग्जाम्पल, नेम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, फर्स्ट पेट, चाइल्डहुड निक नेम, वेयर डिड पेरेंट्स मीट्स, और इस तरह के ये क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। इसमें से आपने कोई भी जो है वो चूज कर लेना है, उसका आंसर जो है वो दे देना है। जी सिक्योरिटी क्वेश्चन भी जो है वो मैं ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीशन रेट जो है वो 70% आ रहा है। जैसे ही इसको फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे फर्दर जो है वो चीजें बता देगा कि क्या चीज जो है वो रह गई है जिसको आगे फर्दर हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस पे फिनिश पे जो है वो क्लिक कर देना है आप लोगों ने। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग गिग के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। तो इसका गिग तक के स्टेप तक आने का मतलब है कि हमारी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो चुकी है और हम लोग जो है वो काम के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम सेटिंग्स जो है वो आप लोगों ने करनी है अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए। इससे रेलिवेंट अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट्स में जो है वो इस वीडियो में बता दें, तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा आपको।